आज का अपना पहला सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार से किस साल सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 2008। इमेज देखिए, ये थे पंडित भीमसेन जोशी। इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1922 में और इनका निधन हुआ है 25 जनवरी 2011 में। और इन्हें 2008 इस वर्ष भारत रत्न इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके पहले इन्हें 1972 में पद्मश्री, बाद में 1985 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनका जन्म हुआ था 1922 में। 2022 यह वर्ष इनका जन्म शताब्दी वर्ष है और इन्हें भारत रत्न इस पुरस्कार से 2008 में सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2008। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में असोम माला नामक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, असम। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम माला नामक कार्यक्रम असम राज्य में स्टार्ट किया है या शुरू किया है। इसका उद्देश्य असम इस राज्य के राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाना है, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों के बीच गुणवत्तापूर्ण इंटरलिंक सड़क प्रदान करना, यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असम। असम मैप में देखिए, यहाँ पे है असम। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। इसकी कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर इज सर्बानंद सोनोवाल, विधानसभा में 126 और लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 मेंबर्स है। इसकी सीमा भूटान, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा से जुड़ी हुई है। अधिकृत भाषा है असमिया और बोडो। प्रमुख नृत्य है बिहू। प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र। और भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन इसी असम में होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क इसी असम में है। और माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, यह भी इसी असम में स्थित है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य को भिखारी मुक्त बनाने के लिए बेगर फ्री नामक अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान इस राज्य ने राज्य को भिखारी मुक्त बनाने के लिए बेगर फ्री नाम का एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वारा बेगर्स को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनका पुनर्वास किया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। राजस्थान मैप में देखिए, ये है राजस्थान। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल जयपुर। राज्यपाल है कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। विधानसभा में 200 मेंबर्स हैं और राजस्थान से लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। एरिया के हिसाब से राजस्थान भारत का पहला नंबर का स्टेट है और पॉपुलेशन के हिसाब से 8वें नंबर का स्टेट है। इसकी बॉर्डर्स पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़ी हुई है। अगला सवाल, कौन सा राज्य हाल ही में ई मंत्रिमंडल या ई कैबिनेट की अमलबजावनी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यह राज्य हाल ही में ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट की कार्रवाई को कागज रहित बनाकर देश का पहला ई कैबिनेट वाला राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की है। साथ ही जयराम ठाकुर ने कैबिनेट की मीटिंग ई कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा की है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मैप में देखिए, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। निर्मित हुई थी 25 जनवरी 1971 को। कैपिटल इज शिमला। गवर्नर इज बंडारू दत्तात्रेय। चीफ मिनिस्टर इज जयराम ठाकुर। विधानसभा में 68 और लोकसभा में 4, राज्यसभा में 3 मेंबर्स है। इसकी सीमा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। प्रमुख नदियां हैं चिनाब, रावी, बिया, सतलज, यमुना और प्रमुख भाषा है हिंदी और पहाड़ी। अगला सवाल, हाल ही में सबसे ज्यादा कोविड टीकाकरण करने वाला भारत दुनिया का कितवा देश बना है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, तीसरा। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड टीकाकरण करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई को किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दे दी है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु। भारत सरकार ने तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दी है और ये टाइगर रिजर्व है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई। यह तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बनेगा। इसको हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मान्यता मंजूरी दी है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, तमिलनाडु। तमिलनाडु मैप में देख के यहाँ पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु की निर्मित हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। मुख्यमंत्री है इडापड्डी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु की विधानसभा में 243 और तमिलनाडु से लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। इसकी सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी से जुड़ी हुई है। एरिया के हिसाब से तमिलनाडु भारत का 10वां और पॉपुलेशन के हिसाब से 6 नंबर का स्टेट है। प्रमुख नृत्य प्रकार है भरतनाट्यम और प्रमुख नदी है कावेरी। अगला सवाल, हाल ही में फरवरी 2021 में किस राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश इस राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह महोत्सव 13 फरवरी से 15 फरवरी 2021 के बीच मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक शहर मांडू में संपन्न हुआ है। और यह महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्राचीन मांडू शहर के प्रत्येक पहलू को दिखाने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मैप में देखिए यह है मध्य प्रदेश। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है भोपाल। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 231 मेंबर्स है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 29 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 2 नंबर का और जनसंख्या के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से भारत में 5 नंबर का स्टेट है। प्रमुख नदियां है नर्मदा, शिपरी, तापी, सोन, बेतवा, चंबल। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक इसी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्टार्ट किया गया था। एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट नामक योजना, FIR आपके द्वार योजना, चरण पादुका योजना, संबल योजना, संजीवनी वाहन योजना इसी मध्य प्रदेश के। एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, किल कोरोना कैंपेन और इंतजार आपका नामक सोशल मीडिया कैंपेन इसी मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया था। 750 मेगावाट रेवा अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट भी इसी मध्य प्रदेश में है, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। निम्नलिखित में से किस देश की रेल 2030 तक दुनिया की पहली प्रदूषण मुक्त रेल बनेगी? उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भारत। भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 में अगले 3 वर्षों में देश के सभी लाइनों के विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही 2030 इस साल तक भारत की रेलवे विश्व की पहली प्रदूषण रहित ट्रेन बनाई जाएगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, 8 फरवरी 2021 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती मनाई गई है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कितवे राष्ट्रपति थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, तीसरे। इमेज देखिए, ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 में। वे भारत के स्वतंत्रता सेना तथा तीसरे राष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 1967 to 1969। साथ ही 1957 में ये बिहार के राज्यपाल थे और 1962 में ये भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और हाल ही में 8 फरवरी को इनकी जयंती मनाई है। नेक्स्ट, ICC ने हाल ही में किसे अगले 3 साल तक अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बायजू। बायजू क्या है? बायजू एक इंडियन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके फाउंडर एंड CEO है बायजूस रविंद्रन। और हाल ही में ICC ने अगले 3 साल तक इसी बायजू को अपना ग्लोबल पार्टनर नियुक्त किया है या बनाया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बायजूस। ICC लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1999 को। हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई इज इन UAE एंड करेंटली प्रेसिडेंट ऑफ ICC इज ग्रेग बार्कले। अगला सवाल, अख्तर अली का हाल ही में 83 की उम्र में निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? इमेज देखिए, ये थे अख्तर अली और ये भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी थे और इनका हाल ही में 83 की उम्र में निधन हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेनिस। अब हम लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल यहाँ पे क्विकली रिवाइज करते हैं। पहला सवाल था, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपना हीरक महोत्सव मनाया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। ब्लूमबर्ग द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस नंबर पर रहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 50वें। शिशुओं में न्यूमोनिया के कारण मृत्यु दर कम करने के लिए SAAS नामक अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा।
किस डिजिटल पेमेंट कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 से भारत में अपनी सेवा बंद करने की घोषणा की है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 पेपल। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करने हेतु किसके साथ एक करार किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 जोमैटो। दिल्ली सरकार का स्विच दिल्ली अभियान किससे संबंधित है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री पवन ऊर्जा प्रकल्प 2030 तक किस देश में बनाया जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण कोरिया। डॉक्टर नगोजी ओंकोजो इविल हाल ही में किस संगठन की पहली महिला प्रमुख बनी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किस दिवस से 5 दिवसीय राष्ट्रीय फलोत्पादन मेला 2021 का आयोजन किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 8 फरवरी 2021। अंकिता रैना यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 टेनिस। ICC का पहला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ऋषभ पंत। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का उत्तर, सवाल था निम्नलिखित में से कौन सा दिवस भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप से मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 25 दिसंबर। हर साल 25 दिसंबर यह दिवस भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप से मनाया जाता है। अब आज के वीडियो का सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन इज सुनीता कुमारी का हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थी? ऑप्शन आर शिक्षिका, कवि, अंतरिक्ष संशोधक और पर्यावरण तज्ञ। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।